इस वक्त बहरिया में दो स्कूल्स हैं, एक रूट्स मिलेनियम और दूसरा है बहरिया का अपना स्कूल। लेकिन वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि जी रूट्स जो है उसकी फीसेस बहुत ज्यादा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ बहरिया टाउन और रूट्स मिलेनियम के एडमिशन फीस और उनकी फीसेस को डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रूट्स और बहरिया के अलावा बहरिया के बाहर भी कुछ स्कूल्स हैं, जैसे किंगस्टन हो गया, जैसे कमांडर हो गया, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल वो है डीएचएस सिटी। डीएचएस सिटी स्कूल बहरिया टाउन से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, जबकि किंगस्टन और कमांडर गेट के बहुत ही करीब हैं। यहाँ पे एक और स्कूल है रेंजर्स का, जो कि मेन हाईवे पे है। ये तो वो स्कूल्स हैं जो बहरिया के अंदर या बहरिया के आसपास हैं। अगर हम इनके फी शेड्यूल की बात करें या फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी फीसेज इकोनॉमिकल हैं? इस वक्त सिर्फ डीएचएस सिटी ही एक ऐसा स्कूल है जिसकी फीस थोड़ी सी इकोनॉमिकल है, या फिर किंगस्टन। कमांडर की बात कर लें, रूट्स की, या बहरिया के अपने स्कूल की, तो ये सब वो स्कूल्स हैं जिनकी फीसेस थोड़ी सी हाई हैं। अगर आप एक रीजनेबल फीस की बात करें तो डीएचएस सिटी का स्कूल बेस्ट है और दूसरा किंगस्टन स्कूल। तो वो लोग जो ये डिस्कशन कर रहे थे या पूछना चाह रहे थे कि हमें आप गाइड कीजिए कि अगर हम बहरिया में शिफ्ट हो जाते हैं तो कौन से स्कूल्स हैं जिन पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों को भेज सकते हैं और उनकी फीसेस भी नॉर्मल हैं, तो इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी डीएचएस सिटी और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगी किंगस्टन। ये दो स्कूल्स हैं जिन पे जिनकी फीसेज रीजनेबल हैं और आप अपने बच्चों का एडमिशन दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहरिया में कोई स्कूल नहीं है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रूट्स में भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बहरिया के अपने स्कूल्स में भी बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये तो आपकी अपनी पॉकेट पे है कि आप लोग किस तरह का एनवायरनमेंट या किस तरह का स्ट्रक्चर जो है बच्चों को देना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।